आज हम हेड एंड नेक कैंसर के बारे में बात करेंगे। तो हेड एंड नेक कैंसर की बात करें तो ये भारत में होने वाले सबसे कॉमन कैंसर्स में से एक है और ये आमतौर पे कम उम्र के लोगों में होता है, क्योंकि इसका मुख्य कारण तंबाकू का सेवन, चाहे वो सिगरेट के तौर पे हो, बीड़ी के तौर पे हो या जो पान मसाला हो इसके तौर पे हो। ये काफ़ी युवा लोगों के अंदर प्रचलित है और इस वजह से ये एक मुख्य कारण है हेड एंड नेक कैंसर होने का। तो हेड एंड नेक कैंसर के लक्षण जो होते हैं वो बहुत सादे होते हैं, जैसे कि मुंह में छाले होना, आवाज़ बदलना, खाना निगलने में दिक्कत होना, कभी कभार खून की उल्टी होना। तो ये कुछ लक्षण हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि शायद आप इस बीमारी की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप तंबाकू का किसी भी प्रकार से सेवन करते हैं तो आपके अंदर अगर ये लक्षण हैं तो तुरंत नज़दीक में अपने डॉक्टर से जाके मिलें और इसकी जांच करवाएं। इसको डायग्नोस करने के लिए हम जो गांठ होता है या जो अल्सर होता है वहाँ से एक बायोप्सी लेते हैं और उसके बाद में ये कन्फर्म होता है कि आपको ये कैंसर है या नहीं है। इसके बाद में अगला स्टेप होता है स्टेज, जिससे पता चलता है कि आपके अंदर कौन सा ट्रीटमेंट दें जिससे आपका रिजल्ट बेस्ट रहेगा। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास में सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी, तीन ट्रीटमेंट हैं जिसके ज़रिए हम इस कैंसर से लड़ सकते हैं। पहले दूसरे स्टेज में ये मुंह के किस भाग में है, ये स्वर पेटी में है या जीभ के हिस्से में है, उसके ऊपर ये निर्धारित होता है कि क्या हम ऑपरेशन का पहले प्रयोग करें या कीमो रेडियोथेरेपी या सिर्फ रेडियोथेरेपी से इसका इलाज करें। तो जीभ के कैंसर में आमतौर पर अगर पहले दूसरे स्टेज में ऑपरेशन हो जाता है तो ये इसे ठीक करने के लिए काफ़ी हो सकता है। इसके बाद में जो हम ऑपरेशन के बाद में जो गांठ निकलती है उसकी जांच पे हो सकता है आपको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़े। स्वर पेटी के कैंसर की बात करें तो रेडिएशन और कीमो हम पहले से तीसरे स्टेज तक देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे स्वर पेटी बचने की संभावना रहती है। पर अगर ये कामयाब नहीं होता या स्टेज आगे की है जिसमें हम स्वर पेटी रेडिएशन कीमो देने के बाद में भी नहीं बता सकते, तो उन केसेस में हम ऑपरेशन के लिए जाते हैं। यहाँ पे कीमोथेरेपी कई के बार इसलिए भी यूज़ की जा सकती है कि कैंसर की गांठ बड़ी है और ऑपरेशन और रेडिएशन उसे ठीक नहीं कर सकते, तो उस केस में हम पहले कीमोथेरेपी देके उसको छोटा करके और फिर ऑपरेशन और रेडिएशन का प्रयोग करके उसे मिटाने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी बीमारी ऐसे स्टेज में है जब उसको रेडिएशन कीमो नहीं दिया जा सकता या कहीं और शरीर के हिस्से में फैल गई है या फिर रेडिएशन और सर्जरी के बाद में वापस आ गई है, तो उस केस में हम कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी के जरिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करते हुए, सिम्टम कंट्रोल करते हुए हम इस ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें कीमोथेरेपी आपके गांठ को कम करके और उसके लक्षण में आराम देने में मददगार हो सकती है। आइए मिलके कैंसर को हराएं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि तंबाकू का सेवन हम तुरंत छोड़ दें। नमस्ते।